नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं दूर की खबरों की ओर। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसिडेंसी कोठी पर सिरो सर्वे सैंपलिंग के लिए लॉटरी निकाली गई ताकि वार्ड वाइज सर्वे किया जा सके और कोई गड़बड़ी ना हो। जहाँ सरकार पूरे प्रदेश में सिरो सर्वे करवा कर बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हुई कि नहीं, ये मालूम करना सरकार का लक्ष्य है। दरअसल लॉटरी माध्यम से 85 वार्ड में 25 वार्ड का चयन हुआ, जहाँ से 1 से 17 वर्ष के बच्चों का किया जाएगा सैंपलिंग। 125 एक वार्ड से लिए जाएंगे सिरो सर्वे के लिए सैंपल। 1 से 6 साल, 6 से 10 साल, 10 से 17 साल कैटेगरी के बच्चों के सैंपलिंग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर, वही हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करने की बात की। सितंबर में बच्चे की वैक्सीन आ सकती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत में लगा चुके हैं। जैसे अभी दूसरी लहर के जो टीके लगने थे उसमें भी कमी पड़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं उसको लेकर। देखिए, जिस प्रकार लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। चूँकि वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कुछ ही कंपनियाँ हैं, फिर भी हम विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाले देश बन गए हैं और प्रतिदिन लाखों की संख्या में वैक्सीन लग रहा है। किसी देश की जनसंख्या भी इतनी नहीं है, जो छोटे छोटे देश हैं उससे ज़्यादा हम लगा रहे हैं। तो ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलेगी। आप तो रेलवे, अभी हाल ही में लोकसभा में माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा था कि हम बच्चों पे भी ट्रायल कर रहे हैं और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। संभावना है कि आने वाले सितंबर में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन का उत्पादन जो हमें बढ़ाना है, क्योंकि अभी 47 करोड़ से ज़्यादा जो लगभग आंकड़ा है, लेकिन और वैक्सीन होना है तो उसके लिए भी और कंपनियां अप्रूव होने की स्थिति में हैं, उनकी ट्रायल हो गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और नई कंपनियां भी आ रही हैं स्वदेशी, और वो भी उत्पादन बढ़ाएंगी ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरे देश में 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन हो जाए। सर, कभी कहीं ना कहीं देखे लक्ष्य तो रखते हो, विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे दी। मैं भी इनके स्वर में स्वर मिलाकर उसको सम्मिलित करता हूँ, इनकी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को करता हूँ कि जो विस्तृत रूप से जानकारी दी है, जिस प्रकार से इंदौर के भाई और बहनों से अनुरोध है इसमें अधिक से अधिक, क्योंकि बच्चे हमारा राज्य का भविष्य है, मध्य प्रदेश का भविष्य है, इसकी सैंपलिंग करना चाहिए।